डॉक्टर साहब, हे डॉक्टर साहब। कृष्णा, क्या हुआ? आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? अब जल्दी से सरपंच जी के घर चलिए, उनकी पोती जख्मी हो गई है, वो बेहोश पड़ी है, चलिए ना। पहले क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ तो। कहाँ चली गई? ऐसे डराती क्यों हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैंने सोचा कल की तरह कोई चोर वोर आ जाएगा तो वही देखने आया था। आया है ना? कहाँ? मैं जानती हूँ कल तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम भी आए थे। कृष्णा, मुझे बाहर लेकर चलो ना। इतने अंधेरे में? गांव की असली सुंदरता अंधेरे में ही दिखाई देती है, ऐसा एक फेमस राइटर ने लिखा था। वो हमारे गांव के कुत्तों को नहीं जानता होगा, मिलकर काट लेंगे। प्लीज कृष्णा। अच्छा ठीक है, पर दीवार कूदनी पड़ेगी, तुम कर पाओगी ना? मैं आती हूँ, रुको। ठीक है, धीरे धीरे आ जा, आराम से आराम से। रुको ना। मेरा हाथ पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ। नीचे आओ मेरे कंधे पर। रिया, रिया, डॉक्टर साहब आप तो चलिए। ए, अंदर बच्चा घूम गया है, कावेरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसी हालत में उसे छोड़ के फिर तो रुकना जरूरी है। चोट कितनी गहरी और कहाँ लगी है ये बता दो, मैं दवाई दे देता हूँ। कैसे बताऊँ मैं आपको? इसके लिए दवाई दीजिए। ये क्या हुआ कृष्णा, सर पर चोट कैसे लगी? तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास गया था, वो नहीं आ पाए, उन्होंने पूछा चोट कितनी गहरी है तो मैंने दिखा दिया। Are you mad? कितना खून बह रहा है पता? अरे तुम टेंशन मत लो, ये तो मेरे साथ रोज होते रहता है, मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए।